ओम शनिश्चराय नमः। शनि भगवान का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रावरी गांव से 30 किलोमीटर दूर है। शनि सिंगनापुर को सड़क, रेल और प्लेन से पहुंचा जा सकता है। सिंगनापुर जाने के लिए शिरडी से अहमदनगर की ओर जाना पड़ता है। शिरडी से सिंगनापुर की दूरी 70 किलोमीटर की है। शिरडी साई बाबा के दर्शन आने वाले ज्यादातर भक्त सिंगनापुर के शनि भगवान के दर्शन हेतु जाते हैं। सिंगनापुर से नासिक की दूरी 140 किलोमीटर, अहमदनगर 40 किलोमीटर, औरंगाबाद 80 किलोमीटर और मुंबई 290 किलोमीटर पर स्थित है। सिंगनापुर जाने के लिए शिरडी और अन्य जगहों से बसेस, कार, टैक्सी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। रेल से यहाँ पहुँचने के लिए मनमाड़ रेलवे स्टेशन पर उतरकर शिरडी से जाना होता है और शिरडी से मनमाड़ की दूरी 50 किलोमीटर की है। सिंगनापुर से नज़दीक का रेलवे स्टेशन रावरी और अहमदनगर से भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। विमान के माध्यम से जाने के लिए औरंगाबाद हवाई अड्डा 80 किलोमीटर और शिरडी हवाई अड्डा 90 किलोमीटर की दूरी पर है। सिंगनापुर में रुकने के लिए शनि सिंगनापुर संस्थान के भक्ति निवास स्थान में आसानी से रूम मिल जाते हैं, जिसके एवरेज किराया 200 रुपये से शुरू होता है। यहाँ दर्शन करके ज़्यादातर भक्त वापस जाते हैं। सिंगनापुर में भक्त निवास स्थान, प्राइवेट होटल, रूम्स कैसे बुक करें, इसका अलग वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। यदि आपको यहाँ एक रात रुकना है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। शनि अमावस्या और शनिवार को यहाँ भक्तों की संख्या लाखों में होती है। शनि अमावस्या को दर्शन करने में कम से कम 10 से 12 घंटे का समय लगता है। हमारी सजेशन है कि आप यहाँ शनिवार और शनि अमावस्या छोड़कर जाएं, ताकि आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। शिरडी से सिंगनापुर जाने आने और दर्शन के लिए कम से कम 4 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, सिंगनापुर पहुंचते समय रास्ते के दोनों तरफ यहाँ के लोकल किसानों ने लगाए फ्रेश शुगर कैन के स्टॉल आपको दिखाई देंगे। यहाँ थोड़ी देर रुककर शुगर कैन और साथ में झूला खेलने का लुत्फ जरूर उठाएं। अब हम सिंगनापुर पहुंच गए हैं। सामने ही पार्किंग है और यहाँ गाड़ी लगाकर सिंगनापुर संस्थान के फ्री स्वच्छता गृह में फ्रेश होकर दर्शन के लिए चले जाए। याद रखिए, यहाँ आपको एजेंट लोगों से बचकर रहना है। फूल हार खरीदने से पहले बार्गेनिंग जरूर करें, नहीं तो दर्शन करके आने के बाद ये लोग मनचाहा दाम बोलते हैं और आपको उतना पैसा देना होगा। काफ़ी भक्तों को इसी तरह लूटा जाता है। श्रद्धा के नाम पर यहाँ लूटने वालों की कमी नहीं है, तो जो भी खरीदे तोल मोल जरूर करें। शनि भगवान को सरसों का तेल और रुई के पत्ते बहुत ही पसंद है, इसलिए भगवान के शिला पर तेल और रुई के पत्तों का हार जरूर चढ़ाए। इसी कमान से होकर दाएं साइड से थोड़ी दूर चलकर हम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं। यह है मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ से हम मंदिर की ओर दर्शन लाइन में प्रवेश करते हैं। आगे अभिषेक पूजा करने का टिकट काउंटर है, जहाँ से अभिषेक पूजा का टिकट मिल जाता है। दूर से शनि भगवान की शिला दिखाई दे रही है। ओम शनिश्चराय नमः का जाप मन में करते करते शनि भगवान के पास पहुँच जाए। मन से शनि भगवान के दर्शन करें, मन में ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहे। जो भी समस्या प्रश्न हो भगवान को बता दे, शनि भगवान उसका हल जरूर निकालते हैं। शिला के पास तेल का अर्पण करें और नीचे भगवान के पादुका का दर्शन करके आगे आए। आगे आने पर मंदिर में अन्य देव देवताओं के मूर्तियां स्थापित की गई है, उनके दर्शन भी कर ले और पुनः से एक बार शनि भगवान के सामने झुककर दोबारा दर्शन कर ले। अब हम मंदिर से बाहर की ओर आ गए हैं। सामने ही प्रसाद काउंटर लगाए हैं। एक प्रसाद के पैकेट का मूल्य 15 रुपये है। यहाँ थोड़ी देर बैठकर प्रसाद ग्रहण करें। इस गेट से हम मंदिर के बाहर आते हैं। हमने शनि भगवान के अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। एक बार मन में ओम शनिश्चराय नमः का जाप लगाए। दोस्तों, यहाँ हमारे सिंगनापुर की यात्रा पूरी होती है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर
और कमेंट करके हमें आपका प्यार दे, सपोर्ट करे, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक ला सके। ओम शनिश्चराय नमः।